नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के तहत मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को। इससे पहले इस सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया है इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए कुल 160 प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उन तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रश्नों पर आए उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ एआरओ प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए एक फाउंडेशन बैच बनाया गया है, जिसमें कि आरओ प्रीलिम्स और मेंस के पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट आपको मिलेगा और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन अभ्यास का भी कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि निबंध लेखन, पत्र लेखन, इन सबको बड़ी बारीकी से आपको सिखाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस कोर्स के डेमो को देखना चाहते हैं तो आप 9506742546 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आरओ एआरओ फाउंडेशन बैच लिख करके सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये कोर्स की बात हो गई, अब हम सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, मेरे साथ इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है जितने भी प्रश्न आएंगे, और उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, तो ये मैचिंग का प्रश्न पहला आ चुका है। तो सूची एक में स्थान है भारत के, और सूची दो में उन स्थानों पर कौन सी यूरोपीय कंपनी का आधिपत्य था या उसका आधार स्थल था भारत में, उसका मुख्य स्थल भारत में था, ठीक है। तो एक तरफ पांडिचेरी, गोवा, ट्रैंकोबार और संद्रास है, और दूसरी तरफ ड्रच, फ्रेंच, पुर्तगीज, टेनिस। तो यही हमें जो है सुमेलित करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे आसान से हम शुरू करते हैं, जो कि बार बार हमें सुनने में आता है। तो पांडिचेरी, फ्रेंच, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो ए का टू, अब ए का टू हम देखें कहां कहां दिख रहा है, तो ए का टू हमें केवल ए में ही दिख रहा है। ए का टू हमें कहां दिख रहा है, तो केवल ए में दिख रहा है, ना ही बी में दिख रहा है, ना ही सी में दिख रहा है, ना ही डी में दिख रहा है। यानी कि केवल हमें इतनी जानकारी है कि फ्रेंच का संबंध पांडिचेरी से है, तो हम इस प्रश्न को क्रैक कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखिए गोवा, तो पुर्तगीज, ये हम जानते हैं, बी का थ्री है, ठीक है, सी का फोर, ट्रैंकोबार डेनिस, ठीक है, और डी का वन, सद्रास डच। अब ये जो डी वाला ऑप्शन है ये कंफ्यूजिंग था, लेकिन इस प्रश्न में वो पूछा ही नहीं जा रहा है, बस इतना पूछा जा रहा है कि क्या आपको पता है कि पांडिचेरी का संबंध फ्रांसीसियों से था। अगर ये आपको पता है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, तो इसमें से कौन सा एक यात्री है जो पुर्तगाल से संबंधित नहीं है, बाकी सब यात्री पुर्तगाल से संबंधित हैं, ठीक है। तो दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फरनाओ नूनिज। तो देखिए पीटर मुंडी ये जो है पुर्तगाल से संबंधित नहीं था और ये शाहजहां के काल में भारत आया था। बारबोसा ये भी पुर्तगाल का था, और डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाल के थे, और ये दोनों विजयनगर साम्राज्य में आए थे जब कृष्णदेव राय का शासन विजयनगर साम्राज्य में चल रहा था। फरनाओ नूनिज को कहते हैं कि ये घोड़े का व्यापारी था, ये भी पुर्तगाल का था, और ये जो है अचुत्य देव राय के समय विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो हमारा उत्तर है सी, पीटर मुंडी। अगला, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, अली वर्दी खां। तो देखिए जब मोहम्मद शाह के समय में मुगल की
मो की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी और उसके बादशाहों को रंगीला नाम से संबोधित किया जाने लगा, उससे पहले घृणित कायर, ठीक है, तो साहेब खबर। तो ऐसे समय में जो मुगल सेनापति थे, जो प्रांतों में नियुक्त थे, उन्होंने अपनी स्वायत्तता की घोषणा करनी शुरू कर दी। तो उसमें से एक बंगाल भी था जहां की स्वायत्तता की घोषणा किया मुर्शिद कुली खान ने। तो ये क्या था, ये मुगलों द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम मुगल सूबेदार था। इसी तरीके से हैदराबाद में हुआ, इसी तरीके से अवध में हुआ। ये सब मुगल प्रांत थे जहां के मुगल सेनापतियों ने खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया यहां पर, ठीक है। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम मुगल सूबेदार था मुर्शिद कुली खान। अगला, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो भारत में अंग्रेज सफल हो गए, फ्रांसीसी नहीं सफल हुए, तो इसके पीछे क्या कारण उत्तरदायी रहा? और जैसा कि हम जानते हैं कि आंग्ल फ्रेंच संघर्ष एक लंबे समय तक भारत में चला और तीन आंग्ल फ्रेंच जो संघर्ष था उन्हें हम कर्नाटिक युद्ध के नाम से जानते हैं, तो कर्नाटिक वार। तो अब यहां दो सेंटेंस दिया गया है। पहला, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। तो निश्चित रूप से अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिली, जिससे कि अंग्रेजों ने एक विशाल सेना खड़ी कर ली। इसके अलावा जो है कंपनी की फंडिंग भी होने लगी, तो व्यापारिक रूप से भी जो प्लासी के विजय से पहले बंगाल से निर्यात होता था यूरोप में, उसके लिए चांदी इंग्लैंड से आती थी, लेकिन अब यह कहा गया कि यह बंगाल के राजस्व से ही इसका काम होगा। तो बहुत मजबूत जो है आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से जो है कंपनी हो गई। इसके अलावा अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो देखिए अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत प्लासी के युद्ध में विजय और बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा, इसके अलावा अंग्रेजों की बेहतर नौसेना, इसके अलावा अंग्रेजों के बेहतर सेनानायक, इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो है प्राइवेट कंपनी थी, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर राज्य की अधिकारिता थी। तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है हमें, तो दोनों, एक और दो, दोनों सत्य हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, इसके दम पर जो है अंग्रेज सफल हुए, फ्रांसीसी नहीं सफल हो पाए, ठीक है। तो चौथे का उत्तर हमारा है सी। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो निश्चित रूप से लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक छोटे से अधिकारी से शुरू करके रॉबर्ट क्लाइव इतने ऊपर तक आया और इसे इतिहासकारों ने स्वर्ग से उतरा सेनानायक घोषित किया कि यह तो स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक था। और कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा कि हमारी जो जन्मभूमि है इंग्लैंड की, जो ब्रिटेन की हमारी जन्मभूमि है, इसने यों तो एक से बढ़कर के एक व्यक्तियों को जन्म दिया है, लेकिन उन सब में रॉबर्ट क्लाइव की बात निराली ही थी। तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों को विजय दिलाई और यह बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत छोटी सेना थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 50,000 की भारी भरकम सेना लेकर के खड़ा था। बहुत हिम्मत का विषय था। सिराजुद्दौला के दरबारियों को, उसके सेनापति को, उसके राज्य में रहने वाले अमीरों को, जिसमें कि जगत सेठ का नाम सबसे प्रमुख है, उन सबको तोड़ करके अपनी तरफ मिला लेना और सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान में हरा देना, यह बहुत बड़ा कारनामा था जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने अंजाम दिया
और निश्चित रूप से इसीलिए कहा जाता है कि भारतवर्ष में ये ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। और उसके बाद 1765 में इसने जो इलाहाबाद की संधि की और उस इलाहाबाद की संधि में जिस चालाकी से इसने जो है अवध को एक बफर स्टेट बनाने की रणनीति बनाई, वो सब जो है मार्वेलस थी निश्चित रूप से। तो सी हमारा उत्तर है, रॉबर्ट क्लाइव। अगला, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। अब ये अंग्रेजों के प्रभुत्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो बक्सर का युद्ध है, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध और डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो निश्चित रूप से पानीपत का तीसरा युद्ध तो महान युद्ध है कि पूरे उस युद्ध पर कितनी किताबें लिखी गई हैं और उसमें रोचकता आपकी बरकरार रहती है, बहुत जबरदस्त जो है। लेकिन हमारा उत्तर अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है, तो यह है बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो सबसे अधिक निर्णायक जो युद्ध रहा वो बक्सर का युद्ध रहा। देखिए, प्लासी का जो की जो विजय थी वो सबको पता था कि अंग्रेजों के षड्यंत्र की विजय है, ये छल की विजय थी, गद्दारी की विजय थी, क्योंकि सिराजुद्दौला जो नवाब था उसके सेनापति ने ही, उसके दरबारियों ने ही उसके विरुद्ध गद्दारी की थी। तो छल से जीता गया युद्ध था प्लासी, गद्दारी के भरोसे जीता गया युद्ध था प्लासी, ये किसी रण कौशल की विजय नहीं थी प्लासी की विजय, लेकिन बक्सर की विजय अंग्रेजों के रण कौशल की विजय थी। और बक्सर की विजय केवल एक नवाब के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि बक्सर में जो भारतीय पक्ष था वो त्रिगुट गठबंधन बनाकर के आया था, जिसमें शामिल थे उस समय के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसमें शामिल थे अवध के नवाब, उसमें शामिल थे बंगाल के अपदस्त नवाब मीर कासिम, यानी ये भारत की तीन बड़ी शक्तियों का गठबंधन था जो कि बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरों के सामने खड़ा हुआ लगभग 50,000 की भारी भरकम सेना लेकर के, और हेक्टर मुनरों 7-8 हजार की सेना लेकर के इन लोगों को बुरी तरह से परास्त कर दिया। तो ये तीन शक्तियों पर मिली विजय थी, और इस विजय में कोई छल कोई गद्दारी किसी षड्यंत्र का हाथ नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश रण कौशल, यह ब्रिटिश ताकत की विजय थी। और इसलिए यह हम मानते हैं कि बक्सर का युद्ध बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत की तीन बड़ी शक्तियों को हरा दिया गया, जिसमें कि मुगल बादशाह भी शामिल था। और इस पर जो है जीबी मालेसन ने क्या लिखा है उसको मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा, इस पर तो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया, लेकिन आइए देखें। बक्सर को सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा, ये जीबी मालेसन बोल रहे हैं। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों को न केवल बंगाल मिला, बंगाल प्लासी के विजय पर बक्सर की विजय ने मुहर लगा दी, अपनी पक्की मुहर, न केवल इसने अंग्रेजी सीमाओं को इलाहाबाद तक पहुंचा दिया, अवध के भी नवाब हार गए थे, ठीक है, अपितु अवध के नवाब अंग्रेजी शक्ति से कृतज्ञतापूर्ण निर्भरता के बंधन से बंध गए। तो चाहता क्लाइव तो दबाव बना सकता था अवध पर भी, क्योंकि अवध के नवाब भी हार गए थे, लेकिन उसने यह निर्णय लिया कि हम जो है एक बफर स्टेट बना करके रखेंगे अवध को, और वहां पर अवध के नवाब ही शासन करेंगे। लेकिन अवध के नवाब कुछ इस तरीके से अंग्रेजों के मित्र बन गए बक्सर की हार और इलाहाबाद की संधि के पश्चात कि अगले 94 वर्षों तक, हालांकि एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 94 वर्ष नहीं आया है, लेकिन अभी चूंकि कोटेशन है तो उसी तरह उठाना होता है, 1856 तक जब तक अवध का अस्तित्व रहा, जब तक अवध ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह से मिला नहीं लिया गया, तब तक अवध के नवाब उसी को अपना दोस्त मानते थे जो अंग्रेजों का दोस्त होता था, और अवध के नवाब उसको अपना दुश्मन मानते थे जो अंग्रेजों का दुश्मन होता था। यही लिखा गया है कि अपितु अवध के नवाब अंग्रेजी शक्ति से कृतज्ञतापूर्ण निर्भरता के बंधन से बंध गए तथा अगले 94 वर्षों तक अंग्रेजों के मित्रों के मित्र तथा शत्रुओं के शत्रु बने रहे। इसके अलावा जहां प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को स्थापित किया, वहीं बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में अब कंपनी का दावा संपूर्ण भारत पर था। ठीक है,
ये आर्टिकल कैसा लगा ये भी बताइएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड क्लाइव। प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब के दरबारियों ने ही, उसके सेनापति ने ही उसके साथ गद्दारी की और एक बहुत बड़ा भाग जो बंगाल के नवाब के सैनिकों का था वो खड़ा ही रह गया, वो केवल तमाशा ही देखता रह गया। मीर मदान के नेतृत्व में एक टुकड़ी अंग्रेजों का सामना की, बाकी लगभग एक बड़ी सेना खड़ी रह गई। अंततः बंगाल के नवाब की पराजय हुई और मीर जाफर जो कि सेनापति था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का, उसके पुत्र मीरान ने बंगाल के नवाब की हत्या कर दी, ठीक है। और इस प्रकार से मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया प्लासी के युद्ध के बाद। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फर्रुखसियर, शाहआलम प्रथम, शाहआलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, ए बी सी डी। तो देखिए जब बक्सर का युद्ध हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में नहीं था, तो बक्सर के युद्ध के तो 1764 में हुआ, लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आ गया तब उन्होंने, उसने पहला काम यही किया कि पराजित शक्तियों से अपने संबंधों को तय करना। तो वो इलाहाबाद पहुंचा और इलाहाबाद में उसने दो संधि की, एक तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, और जिनसे उसने कहा कि एक काम करिए कि हमें बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दीजिए, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार, दीवानी राइट्स, ठीक है। और एक दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव ने की अवध के नवाब के साथ, ठीक है, उसकी भी बहुत सारी शर्तें थी। तो यहां हमारा उत्तर है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, और इसी के बाद से ही यह कहा गया कि जो व्यापारिक कंपनी थी वो भारत में अब शासक बन कर बैठ गई है। अगला, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में संधि है या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, सूची दो में वर्ष दिया गया है। तो यह पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि या कौन सा घटनाक्रम किस वर्ष हुआ, तो यह एक मैचिंग का क्वेश्चन है। इन दोनों सूचियों को सुमेलित करना है, तो चलिए, एक इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, यह मुझे बहुत अच्छे से पता है, या ये एक फेमस फैक्ट है, बार बार हमें पढ़ते समय ये पढ़ना पड़ता है इलाहाबाद की संधि को। तो ए का फोर है, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। अब आइए हम विकल्पों पर आते हैं, तो हमें दिखता है कि ए का फोर केवल और केवल बी में है, और ऐसे में हमारा उत्तर बी है। तो केवल मुझे एक तथ्य पता था कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एक सलाचेपल की संधि कब हुई थी, डिब्लो डुप्ले की पदच्युती कब हुई थी। लेकिन उत्तर मिल चुका है कि उत्तर नाइन्थ का बी है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के प्रश्नों से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रश्न को पढ़ करके जितना आपको पता है उतने में दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ज्यादा चांसेस है कि आपको उत्तर मिल जाएगा। हालांकि अब जो लेटेस्ट प्रश्न बन रहे हैं उसमें इस तरह के कम ऑप्शन है, कम से कम दो तो आपको पता होना ही चाहिए, इस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो एक ऑप्शन की मदद से हल किए जा सकते हैं, तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों से जूझना है, ठीक है। तो ए का फोर इलाहाबाद की संधि 1765, बी का थ्री एक्स ला चेपल की संधि 1748, सी का टू ला बुरदाने से मद्रास पर अधिकार 1746, और डुप्ले की पदच्युती यानी डी का वन 1754, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दिलीप सिंह। तो राजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की नींव डाली और बेहद मजबूत साम्राज्य इन्होंने पंजाब में खड़ा किया, लेकिन यह बेहद दुखद रहा
कि जिस तेजी से सिख साम्राज्य खड़ा हुआ उससे बहुत अधिक तेजी से वो कोलैप्स कर गया और पंजाब ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया, सिख साम्राज्य ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। तो 1839 में जब मृत्यु हुई राजा रणजीत सिंह की, उसके बाद इनके अयोग्य उत्तराधिकारियों का एक दौर प्रारंभ हो गया। चार पुत्र थे इनके, सबके नाम यहां लिखे गए हैं, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह और सबसे छोटे पुत्र इनके दलीप सिंह, जो रानी जिद्दन के पुत्र थे। तो बहुत कम समय तक एक के बाद एक मृत्यु होती रही। अंत में बचे दिलीप सिंह, इनकी माता का नाम था रानी जिद्दन। रानी जिद्दन की महत्वाकांक्षा को ही कई कारणों में से एक कारण मानते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का, उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और अंत में 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने बहुत अच्छा मौका देखा और सिख साम्राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो हमारा उत्तर है डी, दिलीप सिंह। बाकी ये सब इनके पुत्र ही थे, ठीक है। दिलीप सिंह को पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया गया। तो बड़ी दुखद तरीके से सिख साम्राज्य का अंत हो गया। अगला तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, सर जॉन शोर से, लॉर्ड बेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कार्नवालिस से। तो देखिए, अंग्रेजों और मराठों के तीन टकराव हुए, तीन युद्ध हुए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक, जिसमें कि मराठों की कमर को पूरी तरीके से बेलेजली ने तोड़कर रख दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध केवल एक नाम का युद्ध था, सबको उसका रिजल्ट पता था। वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, जब इसने पिंडारियों को दबाने का कार्य प्रारंभ किया और मराठों ने उसका विरोध किया, तो अंततः ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पूरी तरीके से मराठों को दबा दिया गया, पेशवा की सीट को ही समाप्त कर दिया गया पुणे के, और उनको जो है कानपुर के पास बिठूर में पेंशन दे दी गई। और बाकी सभी मराठा सरदार, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, इन सब पर सहायक संधि थोप दी गई, नागपुर के भोसले आदि सब पर, ठीक है। तो 11 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ, तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को कब मिलाया गया? वर्ष 1853 में, वर्ष 1854 में, वर्ष 1855 में, वर्ष 1856 में। तो वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो हड़प की नीति लेकर के आया, और उस हड़प की नीति में प्रमुख बात यह थी कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं, जो देसी रियासतें हैं, उनके शासक को अगर कोई पुत्र या पुत्री नहीं होता है, यानी वो निसंतान रहते हैं, तो वो गोद नहीं ले सकते। तो उनके राज्य को क्या किया जाएगा, जो निसंतान राजा रानी हैं उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये हड़प नीति लेकर के आया लॉर्ड डलहौजी, जिस पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसी बात को इस तरीके से लिखा है कि लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, झांसी के उसमें झांसी का भी विलय कर लिया गया था। तो जो राजा लावारिस है, जिसको वारिस नहीं है, वो गोद नहीं ले सकता। जबकि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि गोद लेने की प्रथा है, और गोद लिया हुआ जो दत्तक पुत्र होता है उसकी भी अधिकारिता वही होती है जो अपने रक्त से पैदा हुआ पुत्र है। तो इसने जो है ये कानून लाकर के भारतीय राज्यों को हड़पना शुरू किया। लेकिन अवध के साथ तो ये भी नहीं थी दिक्कत, अवध के साथ उत्तराधिकार का कोई मामला नहीं था। इसके अलावा अवध से आज्ञाकारी शायद ही ब्रिटिशों का कोई और राज्य रहा हो, तो जो भी बात ब्रिटिश कहते थे अवध सर झुका करके मान लेता था। लेकिन इन सबके बाद भी अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध का विलय कर लिया। इस समय यहां के नवाब थे वाजिद अली शाह, लखनऊ में। यह कहावत मशहूर है कि जब अंग्रेजी सेना आई अवध का अधिग्रहण करने के लिए, तो अवध के नवाब भाग नहीं पाए।
तो पूछे कि क्यों नहीं वो भाग पाए, तो कहा गया कि उनको जूती पहनाने वाला कोई नहीं था, जूता पहनाने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कोई जूता पहनाएगा नहीं तो हम कैसे भागेंगे। हालांकि ये ऐतिहासिक बात नहीं है, लेकिन इस तरह के तथ्य जो है लोगों में आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, ये बताने के लिए कि नवाबों के कितने रुतबे थे, या ये भी बताने के लिए कि नवाब कितने। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? राजा टिकेत राय नवाब आसूफ दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त है। अब ये जो है ये तो तथ्य है और ये एक सेकुलर वाक्य है, तो निश्चित रूप से ये दोनों तो सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। तो 13 का सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ सेना नायक है या गवर्नर और दूसरी तरफ युद्ध है, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कार्नावालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध बिल्कुल सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध बिल्कुल सुमेलित है, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल सुमेलित है। लॉर्ड बेलेजली ने तय कर लिया था कि अब कोई संधि नहीं होगी टीपू सुल्तान के साथ, अब इनको मारेंगे और मार दिया सब। लॉर्ड कार्नावालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है, लॉर्ड कार्नावालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान थे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग था। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय था और लॉर्ड कार्नावालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था। तो 14 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने, लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, सर जॉन सोर ने। तो इसका उत्तर है बी, लॉर्ड एलनबरो। तो 1843 के एक्ट के 5वीं धारा में यह प्रावधान था, लॉर्ड एलनबरो के समय यह हुआ, ठीक है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। यहां आपको मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी सिक्किम का पूर्ण रूप से विलय ब्रिटिश राज में नहीं हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध था उसमें सिक्किम के कुछ क्षेत्र अंग्रेजों के पास आ गए जिस पर कि नेपाल ने अधिकार किया हुआ था। तो उसके बाद एक सहायक संधि सिक्किम के ऊपर थोपी गई और इसे प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के तहत। कभी भी सिक्किम का पूर्ण रूप से विलय नहीं हुआ। तो 1817 में यह हुआ जो यहां पे लिखा है सिक्किम का विलय, ठीक है, यह संधि संपन्न हुई 1817। इसके बाद पंजाब का विलय कर लिया गया द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1849 में। इसके बाद झांसी का विलय कर लिया गया 1853 में, हड़प नीति के तहत यह विलय हुआ था क्योंकि वहां के जो राजा थे गंगाधर राव वो निसंतान मरे थे, उनको कोई पुत्र नहीं था। हालांकि एक लड़के को गोद लिया गया था लेकिन डलहौजी ने कहा कि ये गोद लेने की को मान्यता हम नहीं देते हैं। फाइनली बर्मा का विलय किया गया तीन आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1886 में। तो पहले नंबर पर है सिक्किम, उसके बाद है पंजाब, 1, 3, 2 और 4, ठीक है। तो ये डी हमारा उत्तर होगा, 16 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है। तो क्या सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो देखिए लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया बंगाल में, चीरो अस्थाई बंदोबस्तो यानी परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली लेकर के आया और सहायक संधि प्रणाली के तहत इसने भारतीय राजाओं को बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया।
इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं था बल्कि ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 5 तक हुआ उसमें बेले जली था, ठीक है। तो सी हमारा इसका उत्तर है 17 का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये 2017 का प्रश्न है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिट्टन, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस सही है, राज्य हड़प नीति लेकर क्या आया लॉर्ड डलहौजी कि जिस भी भारतीय शासक को पुत्र या पुत्री नहीं होगी उसका वारिस कौन बन जाएगा, ब्रिटिश राज मिल जाए बन जाएगा, यानी कि ब्रिटिश राज में उसको मिला लिया जाएगा उस राज्य को। सहायक संधि लेकर के आया लॉर्ड बेलेजली, सहायक संधि का मतलब ये कि अपनी विदेश नीति दे दीजिए, अपनी रक्षा का भार दे दीजिए, अपना संचार दे दीजिए ब्रिटिश राज को। राजा इंटरनल अपने मामले में आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होते थे, हालांकि यह कहने की बात थी ब्रिटिश हस्तक्षेप करते थे, एक ब्रिटिश रेजिडेंट उस राज्य में रखा जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण उस राज्य के खर्च पर एक सेना रखी जाएगी और वो सेना ब्रिटिशर्स के प्रति लायल होगी न कि राजा साहब के, लेकिन खर्च कौन देगा, राजा साहब देंगे। स्थानीय स्वशासन ये लॉर्ड लिट्टन ये गलत है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन से जुड़ा हुआ है 1882 और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का भारत में पिता कहते हैं। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1, 2 इलाहाबाद की संधि, 3 बक्सर का युद्ध, 4 वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, तो काल क्रमानुसार इनका चयन करना है हमें, ठीक है। तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक है, तो सबसे पहले युद्ध हुआ बक्सर का 1764 में। इसके बाद क्लाइव भारत आया, जब क्लाइव भारत आया तो उसने पहला काम किया इलाहाबाद की संधि की, और ये इलाहाबाद की संधि किसके साथ उसने की, तो बक्सर के युद्ध में जो पराजित शक्तियां थी यानी कि अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना, तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बन गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, तो ये सबसे बाद में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ बक्सर का युद्ध तो 3, उसके बाद हुआ क्लाइव का पुनः भारत आना 3-1, उसके बाद हुआ इलाहाबाद की संधि 2, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, तो 19 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो फिर से सूची वाला प्रश्न आ गया, तो मैचिंग का प्रश्न आ गया। तो एक तरफ तो युद्ध है, दूसरे तरफ वर्ष है, अब मैं पढ़ता नहीं हूं, सीधे हम उत्तर तलाशने का काम करते हैं। तो देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध कब हुआ, 1780 से 84 में हुआ, इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो क्या हमें उत्तर मिल रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से 1780-84, आइए देखते हैं। तो ए का टू, ए का टू हमें कहां दिख रहा है, ए का टू हमें देखिए ए में दिख रहा है, और ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट है, एकदम 2021 का ये प्रश्न है, तो अभी भी इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, हमें हमारा उत्तर मिल गया है, ठीक है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और आसान हो सकता है, इसी से इससे भी प्रयास किया जाए कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक हुआ, तो सी का वन, तो सी का वन हमें कहां दिख रहा है, सी का वन हमें केवल ए में दिख रहा है, ठीक है, यहां से भी आपको जो है उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 ए का टू, ठीक है, चाहे आपको मराठा युद्ध याद हो चाहे मैसूर युद्ध हो आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है, ए का टू द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780-84, बी का 4 द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750-54, सी का 1 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, तो डी का 3, ठीक है। आइए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सुजाऊ दौला, आसफ दौला, राजा चेत सिंह, राजा महिप नारायण सिंह,
तो उत्तर हमारा है राजा चेत सिंह। देखिए अब विद्रोह शब्द का प्रयोग हो रहा है, जबकि बनारस के राजा अपने क्षेत्र में तो स्वतंत्र ही थे, हालांकि अवध के नवाब के अधीन आते थे, लेकिन फिर भी विद्रोह का, यानी कि ये मान्यता दे दी गई है कि उस समय तक जो कंपनी का शासन था उसको मान्यता थी, अब जो भी उसके विरुद्ध कुछ करेगा वो उस विरोध विद्रोह करेगा, इस तरह का है बनारस विद्रोह, इस शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो राजा चेत सिंह ने यह किया था। वारेन हेस्टिंग ने काफी परेशान करके रखा था राजा चेत सिंह से, जब वो चाहता था मनमर्जी पूर्ण राजा चेत सिंह से पैसा लेता था। हालांकि जो 1765 की संधि हुई थी उसमें अवध के अधीन बताया गया था बलवंत सिंह को, जो बनारस के राजा थे, और उनकी जमींदारी को स्वीकार किया गया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग लगातार पैसा मांग रहा था और अंततः 50 लाख रुपए मांगा। चेत सिंह एकदम झुझला गया और उन्होंने मना कर दिया कि अब भैया हमसे नहीं होगा, हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो फाइनली वारेन हेस्टिंग कलकत्ता से चल करके आया बनारस में और कहते हैं कि राजा साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया, और ऐसे में राजा साहब की जो सेनाएं थी और जो काशी के लोग थे वो सब लोग भड़क गए। और ऐसा है, यहाँ किंवदंती है बनारस में, ये बात प्रसिद्ध है कि उसके बाद खूब मारकाट हुई और वारेन हेस्टिंग स्त्री का ड्रेस पहन करके पालकी में बैठ करके वहाँ से भागा था। हालांकि उसके बाद तो फिर राजा साहब को दबा दिया गया, इनको हटा करके फिर इन्हीं के परिवार के राजा महित नारायण सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया बनारस के, और राजा चेत सिंह को निर्वासित कर दिया गया ग्वालियर की तरफ। लेकिन उस समय जो ये घटनाक्रम अगस्त 1781 में हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बनारस में ये बात काफ़ी प्रसिद्ध है काशी में कि घोड़े पर हौदा हाथी पर जिन, घोड़े पर हौदा हाथी पर जिन, और काशी से ऐसे भागा वारेन हेस्टिंग्स, तो ये जो है कहावत है उस समय की। ठीक है, तो राजा चेत सिंह। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1796, 1797। ये भी लेटेस्ट प्रश्न है, हालांकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। ये अवध के अधीन था, उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद से ही इसी में रह रहे थे, फिर वो 1772 में महादजी सिंधिया उनको लेकर के दिल्ली चले गए, वहाँ पर उन्हें बिठा दिया, तो जो इलाहाबाद का क्षेत्र था उसको मराठा साम्राज्य में मिलना चाहिए लेकिन ब्रिटिशों ने मना कर दिया उनकी पेंशन, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। हालांकि ये डी इसका उत्तर है, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे जाने से बचना चाहिए, इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं होता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल को, दरोगा को, अमला को, जमींदार को? तो हमने जो इसका उत्तर माना है वो है दरोगा, हालांकि जमींदार को भी कहा जाता है कि जमींदार कंपनी बहादुर की शानो शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि थे, और खास करके चीरो अस्थाई बंदोबस्तों परमानेंट सेटलमेंट जहां पर लागू था, खास करके बंगाल, वहां पर तो निश्चित रूप से जमींदारों को ही कहा जाता था कि ये जो है कंपनी बहादुर के शानो शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि है। एक रोचक प्रसंग है कि जब जॉर्ज पंचम भारत यात्रा पर आए तो भारत के स्थानीय लोगों से भेंट किए जाने का एक कार्यक्रम रखा गया, जैसे उनकी इच्छा हुई कि हम यहाँ के लोगों से मिले, तो वहाँ पर एक बुढ़िया माई भी थी, तो बुढ़िया माई से जब बात करने के लिए, वो एक वृद्ध औरत थी, उनसे बात करने के लिए गए तो उन्होंने देखा, और जो भारत में परंपरा है किसी को आशीर्वाद देने की, तो जॉर्ज पंचम को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि मतलब आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सौम्य स्वभाव के हैं और बड़ी अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, भगवान से मैं आपके लिए प्रार्थना ये करूँगी कि आप अगले जन्म में जमींदार के घर पैदा हो। ठीक है, तो ये जमींदारों की स्थिति थी, जॉर्ज पंचम को उन्होंने कहा, ब्रिटेन के राजा को। ठीक है, तो बी दरोगा हम उत्तर मानते हैं, लेकिन जमींदार भी इसका उत्तर हो सकता है, और परमानेंट सेटलमेंट के राज्यों में तो निश्चित रूप से। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? अब ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में इसका उस तरीके से उल्लेख नहीं
मिलता है। अब इसका कारण अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली नाम के व्यक्ति ने कर दी थी। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर के 1872 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और ये पहले भारत के गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में की गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जिस कारण से इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। अगला, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड केल्विन। तो 1904 में ये हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो 25 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, लॉर्ड कर्जन। अगला, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड बेलेजली द्वारा। देखिए, फूट डालो और राज करो की आधिकारिक नीति 1857 के बाद से प्रारंभ कर दी गई। हालांकि ये नीति प्रारंभ से ही अंग्रेजों की थी, लेकिन 1857 के बाद इसे आधिकारिक नीति के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर के बंगाल का विभाजन कर दिया। अब बंगाल का विभाजन तो अंग्रेजों की तरफ से यही कहा गया कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया गया है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और यहां पर सुचारू प्रशासन चलाने के लिए यह ठीक होगा कि इसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। हालांकि अंग्रेजों ने यह तर्क दिया, लेकिन अंग्रेजों की जो मूल मंशा थी वो ये थी कि वो बंगाल विभाजन के माध्यम से धार्मिक विभाजन कर रहे थे बंगाल का, बंगाल का भाषाई विभाजन कर रहे थे, और बंगाल में जो राष्ट्रवादी स्वर उठ रहे थे उस दौर में उसको पूरी तरह से बंद करना चाहते थे। भाषाई विभाजन किस प्रकार से, तो जो बंगाल का विभाजन होकर हुआ पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में, उसमें पूर्वी बंगाल में उड़िया और हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक हो गई, बंगाली की संख्या कम हो गई बंगाली बोलने वालों की। धार्मिक कैसे हुआ, तो जो मुसलमान एकीकृत बंगाल में जिनका प्रतिशत बेहद कम था, वो जो पूर्वी बंगाल बना उसमें उनकी का प्रतिशत बहुमत में आ गया। तो जो अल्पसंख्यक में थे मुसलमान एकीकृत बंगाल में, वो इस तरीके से बनाया गया पूर्वी बंगाल कि वो बहुसंख्या में आ गए पूर्वी बंगाल में। तो लॉर्ड कर्जन, इसके अलावा लॉर्ड मिंटो को भी हम मानते हैं, क्योंकि जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल मुसलमानों को, वो तो लॉर्ड मिंटो और मार्ले सुधार के माध्यम से दी गई थी। तो मिंटो को भी हम इसमें रखते हैं। ये बहुत जो है प्रसिद्ध है कि मिंटो ने मार्ले को या मार्ले ने मिंटो को ये लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत दुखदायी होगा। तो हम दोनों को मान सकते हैं, क्योंकि कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके बाद तुरंत अगले साल 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग ने तुरंत पृथक निर्वाचन मांगना शुरू किया। लॉर्ड मिंटो ने 1909 में उन्हें पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे भी दिया। तो हम दोनों को रख सकते हैं, ए बी, ठीक है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गई? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए महारानी मेरी के साथ, तो उनके स्वागत में एक दरबार आयोजित हुआ जिसे हम जानते हैं द्वितीय दिल्ली दरबार के नाम से। और इसी दरबार में घोषणा हुई कि अब जो है राजधानी का परिवर्तन होगा। तो ये 1911 में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था और बंगाल के विभाजन को भी इसी दरबार के माध्यम से रद्द किया गया, ठीक है, पुनः एकीकृत हो गया बंगाल। अगला, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में तो जो व्यवस्था थी वो परमानेंट सेटलमेंट की थी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। तो 28 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आइए थोड़ा समझ लें।
तो भू राजस्व की तीन व्यवस्थाएं ब्रिटिश भारत में प्रसिद्ध थी, अगर आपको न दिख रहा हो तो मैं पढ़ रहा हूं, आप समझिएगा। एक अस्थाई बंदोबस्त, इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते थे, एक रैयतवाड़ी और एक महालवाड़ी। ठीक है, तो कहां किसका विस्तार था मैं एक बार पढ़ देता हूं, आपके दिमाग में हो जाएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त तो बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था, बनारस में था, उत्तरी कर्नाटक में था, और कुल ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्रफल था उसके 19% क्षेत्र पर जो भूमि व्यवस्था लागू थी वो थी अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, रैयतवाड़ी कहां कहां थी, तो मद्रास में थी, बंबई प्रेसिडेंसी में थी, कुर्ग में थी, और कुल ब्रिटिश भारत के कितने बड़े क्षेत्रफल पे थी, तो 51% पे थी। ठीक है, तीसरी व्यवस्था महालवाड़ी, ये कहां कहां पे थी, तो ये उत्तर प्रदेश में थी, मध्य प्रांत में थी, पंजाब में थी, और ये ब्रिटिश भारत के कुल कितने क्षेत्र पे थे, तो 31%। तो अब मैं प्रश्न पूछूं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत कौन सी प्रणाली थी भू राजस्व की, तो वो थी रैयतवाड़ी। कुल ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत थे, 51%। सबसे कम, तो सबसे कम अस्थाई बंदोबस्त था 19%, और महालवाड़ी बीच का था 31%। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता था वो भी एक मिनट में हम समझ लें। तो देखिए, परमानेंट सेटलमेंट में तो एक क्षेत्र के भूमि कर को निर्धारित कर दिया जाता था, जमींदार की नियुक्ति हो जाती थी, वही भूमि कर वसूलता था और सरकार को दे देता था। जमीन का मालिक कौन था, तो जमीन का मालिक जमींदार होता था, किसान जो कृषि करता था वो एक तरह से टेनेंट था। ठीक है, इसीलिए बंगाल के जमींदारों की विलासिता की बहुत कहानियां थी। ठीक है, रैयतवाड़ी में क्या था, तो सरकार थी, किसान था, कोई बीच में नहीं था, तो कोई बिचौलिया बीच में नहीं था, अस्थाई बंदोबस्त में था लेकिन रैयतवाड़ी में नहीं था, सीधे किसान था और वो सरकार को अपना टैक्स देता था। भूमि का मालिक कौन था, किसान था, वो उसे बेच सकता था, भूमि को गिरवी रख सकता था, जो कर सकता था वही मालिक था। महालवाड़ी क्या था, तो महालवाड़ी में सरकार और किसान के बीच एक महाल था, महाल यानी गांव कह सकते हैं आप। ठीक है, तो भूमि पर गांव का ही अधिकार माना जाता था, किसान आपस में बांट कर खेती करते थे और महाल के द्वारा वो किया जाता था। ठीक है, मतलब भू राजस्व ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था। ठीक है, यह समझ आ गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, बीजी तिलक, दादाभाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कहता है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण आर, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो अभिकथन ए सही है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। निश्चित रूप से लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन इसीलिए दादाभाई नौरोजी ने किया था कि ताकि भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटिश जनमत को हम अवगत कराएं, ब्रिटिश के नागरिक भी जाने कि भारतीयों को के साथ क्या क्या हो रहा है भारत में। ठीक है, तो वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे निश्चित रूप से। तो सी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो 32 का उत्तर हमारा है डी, लॉर्ड रीडिंग। तो 32 का उत्तर है हमारा डी, लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1926 तक ये भारत का वायसराय रहा। अगला, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, निश्चित रूप से इसका उत्तर है तात्या टोपे। तो नाना साहब पेशवा के एक प्रकार से सेनापति हम कहें, तात्या टोपे, इन्हीं का नाम था रामचंद्र पांडुरंग।
तो पहले नाना साहब के साथ, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया और निश्चित रूप से इनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है। अगला, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, तो सूची एक में क्या है क्रांतिकारियों के नाम और सूची दो में क्या है स्थान, तो कौन से क्रांतिकारी 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान से संबद्ध रहे या कहां किस स्थान पर उन्होंने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया, ये प्रश्न है। तो अब इसमें जो सबसे आसान समझ आएगा वो मुझे आएगा नाना साहब कानपुर, तो कानपुर में ये लीड कर रहे थे। ए का टू हमें कहां कहां दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, इसका मतलब ए उत्तर नहीं होगा, बी उत्तर नहीं होगा। तो एक जानकारी के बल पे हमने चार को दो में बदल दिया, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा चार से भले दो, ठीक है। इसके बाद मनीराम दीवान, तो दीवान मनीराम ये असम, कंदपेश्वर सिंह, ठीक है, उनको राजा बना करके उनके दीवान। तो डी का फोर हमें कहां दिख रहा है, तो डी का फोर हमें दिख रहा है डी में, ठीक है, तो डी ही हमारा उत्तर है। 34 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आइए एक बार यहां पर आप लिस्टिंग देख सकते हैं, तो केंद्र विद्रोह की तिथि, कब विद्रोह हुआ, किस केंद्र पे, कौन क्रांतिकारी थे और किस ब्रिटिश अधिकारी ने उन्मूलन किया क्रांति का, यह पूरा चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सब चीजें दी गई है। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, अजीमुल्लाह, बिरजिस कद्र, बखत खान, हसन खान। तो बखत खान हमारा उत्तर है, बखन खान अंग्रेजों की सेना में सूबेदार के पद पर था और जो दिल्ली में विद्रोही मेरठ से आए थे या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे थे, उन विद्रोहियों का नेतृत्वकर्ता बखत खान था, तो सैन्य नेतृत्व का जो है बखत खान के हाथ में था, तो इसी बखत खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने दिया था। 35 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड मिंडो था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड बेंटिंक था, तो निश्चित रूप से लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, सरोजनी नायडू ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो निश्चित रूप से 37 का हमारा उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा अपनी पुस्तक आनंद मठ में, और आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित उसका कथनाक है, सन्यासी विद्रोह पर वो आधारित है। 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ठीक है, वंदे मातरम। अगला, कुकी आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, तो कुकी आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में, राम सिंह कुका, ठीक है। आइए देखें, तो पूरा ये कुका आंदोलन से संबंधित है, यहां पर देखें तो ये पश्चिमी पंजाब में आंदोलन का प्रारंभ भगत जवाहर मल, जिन्हें सियान साहिब कहा गया, वो और उनके शिष्य बालक सिंह द्वारा हुआ। बालक सिंह के बाद राम सिंह के नेतृत्व में कुका विद्रोह प्रबल हुआ। तो पहले ये कुका जो आंदोलन था वो धार्मिक आंदोलन था, लेकिन जब ये अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया यानी सिख साम्राज्य का विलय कर लिया, तो ये एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुका आंदोलन से जुड़ा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। अगला, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, तो सूची एक में विद्रोह है और सूची दो में वर्ष है, वो विद्रोह कब हुआ, अहोम, कोल, संथाल, मोपला, ठीक है। तो देखिए, जो मोपला विद्रोह है ये हुआ था 1921 में, ठीक है, केरल में। डी का थ्री, तो डी का थ्री कहां में दिखता है, केवल ए में दिखता है, और इस हिसाब से यही हमारा उत्तर है, ठीक है, डी का थ्री। अब आइए देखें इसी हिसाब से, तो सी का वन संथाल विद्रोह 1855 से 56, बी का फोर कोल विद्रोह 1831 से 32 और ए का टू अहोम विद्रोह 1828, ठीक है।
तो इन सब विद्रोहों के बारे में यहां पर डिटेलिंग है। अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सबका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और मोपला विद्रोह। ठीक है, अगला सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में विद्रोह या आंदोलन और सूची दो में वर्ष है, तो तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह। हम सबसे आसान से प्रारंभ करेंगे, तो बंगाल नील विद्रोह हुआ 1859-60 में। तो डी का वन, डी का वन हमें कहां कहां दिख रहा है? डी का वन हमें बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। इसका मतलब है कि ए उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आसान हमें क्या है? तो इसके बाद हमें आसान है मोपला विद्रोह, बी का थ्री। अब बी का थ्री हमें कहां दिख रहा है? तो बी का थ्री हमें दिख रहा है सी में भी और डी में भी, और दोनों में वन वन दिख रहा है। तो अभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, लेकिन यह है कि बी का थ्री हमें सी और डी में दिख रहा है, तो बी भी उत्तर नहीं होगा। तो अब आप इस प्रश्न को देखिए, हमें दो तथ्य पता है लेकिन उसके बाद भी हम उत्तर के पास नहीं पहुंच पाए, दो ही ऑप्शन को हम हटा पाए, दो अभी भी बरकरार है। ठीक है, तो पावना किसान विद्रोह हुआ 1873-76 में। ठीक है, यहां पर गलत दिया गया है 1873-76 में, तो एक ऑप्शन ये हो गया पावना, सी का टू। तो सी का टू हमें कहां दिख रहा है? केवल हमें ये दिख रहा है डी में। ठीक है, तो सी का टू अगर किसी को पता रहता, हालांकि ये गलत ऑप्शन था 1873-76 है, तो ये प्रश्न का उत्तर आ जाता। ठीक है, और तेभागा आंदोलन को हम देखें, ए का फोर, तो ए का फोर भी दो जगह था। ठीक है, चलिए, तो तेभागा आंदोलन के बारे में यह पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। अगला, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिंडुमल, डी के करवे, रमाबाई, महादेव गोविंद रानाडे। तो बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में डी के करवे के प्रयासों से हुई। तो डी के करवे बहुत महत्वपूर्ण नाम है महिला शिक्षा के भी लिए और महिलाओं के जो विधवा थे उनके पुनर्विवाह से भी। अगला, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। तो निश्चित रूप से डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, बीजी तिलक हमारा उत्तर है। अगला, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1876, 1891, 1875, 1874। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में की गई थी। बाद में जाकर के ये कॉलेज बना और उसके बाद 1920 में जाकर के ये यूनिवर्सिटी बन गई, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पाकिस्तान का जो पूरा आंदोलन चला भारत में उसका आधार स्थल था। ठीक है, तो 44 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो देखिए, इसकी स्थापना 10 जून को नहीं 10 जुलाई को हुई थी। हालांकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने से बचना चाहिए। अब 10 जून 10 जुलाई में प्रश्न पूछ करके अगर इतना फैक्ट कोई याद भी किया होगा तो उससे क्या निष्कर्ष निकल जाएगा, लेकिन ठीक है, पूछा गया है तो पूछा गया ही है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई, तो 10 जुलाई को हुआ था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना है। क्या सही है? केवल एक, केवल दो? तो केवल दो ही इसमें से सही है। 45 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, तो बॉम्बे हेराल्ड। तो निश्चित रूप से जेम्स अगस्टक हिक्की ने द बंगाल गजट प्रारंभ किया, तो ये भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था
जेम्स अगस्टक हिक्की 1780 में उसने इसे चालू किया। ठीक है, अगला 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई आगरा में, कलकत्ता में, पटना में, वाराणसी में। तो डेविड हेयर द्वारा और राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। अगला 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली। तो ये राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक थी जिसका हिंदी में अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, और जिसका नाम था फारसी में तुहकात उल मुहादीन। तो ये फारसी भाषा में ही लिखी गई थी। ठीक है, अगला सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो सूची एक में समाचार पत्र है और सूची दो में भाषा है। वो समाचार पत्र किस भाषा में छपता था? भारत मित्र, राष्ट्र मित्र, प्रजा मित्र, नायक। तो देखिए, भारत मित्र हिंदी में एक महत्वपूर्ण नाम था, अगर ये आपको पता हो तो ए का थ्री है, और ए का थ्री है तो सी हमारा उत्तर है। ठीक है, ए का थ्री यानी सी हमारा उत्तर है, भारत मित्र हिंदी। ठीक है, बी का फोर है, राष्ट्र मत ये मराठी में छपता था, सी का टू है, प्रजा मित्र ये गुजराती में था, और नायक ये बंगाली में था। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो सूची एक में समाचार पत्र है और सूची दो में प्रकाशक है। तो बंगाली, बंगवासी, वंदे मातरम और अमृत बाजार पत्रिका, एक तरफ जो है समाचार पत्र और दूसरी तरफ प्रकाशक। आइए प्रयास करते हैं। तो देखिए, अमृत बाजार पत्रिका जो काफी प्रसिद्ध थी, इसे निकालते थे मोतीलाल घोष। तो डी का फोर है, तो डी का फोर कहाँ है? ए और बी में है, सी और डी में नहीं है। तो सी और डी हमारा उत्तर नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सी का टू है, वंदे मातरम ये अरविंद घोष निकालते थे, सी का टू। तो सी का टू हमें कहाँ दिख रहा है? केवल हमें बी में दिख रहा है, तो यही हमारा उत्तर है। 50 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो आइए एक बार करें, तो ए का बी हमारा उत्तर है, तो ए का थ्री बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी का वन बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस, सी का टू वंदे मातरम अरविंद घोष, और डी का फोर अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए कुल 50 प्रश्नों को हमने देखा।